हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम अंशुल महेश्वरी, योर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, एंड वेलकम्स यू ऑन योर यूट्यूब चैनल टेक कंप्यूटर एजुकेशन। एंड गाइस, इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर लेक्चर ऑन एडवांस्ड डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। एंड इन अवर लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द सेल फॉर्मेट मोड, बट गाइस, इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अबाउट क्रिएटिंग न्यू स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन, देन updating style from selection, and at the last to create new style by drag and drop। guys, हमें यहाँ पर एक नई स्टाइल बनाना सीखना है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा था उसके अंदर हमारे पास कुछ प्रीडिफाइंड स्टाइल्स आ रही थी, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। बट उसके लिए मुझे सबसे पहले ओपन करना होगा स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो को। तो उसके लिए मैं कैसे कर सकता हूँ, लास्ट मिनट लेक्चर के अंदर मैंने आपको दो मैथड बताए थे। मैथड नंबर वन, क्लिक ऑन फॉर्मेट, देन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, राइट। एंड ऑप्शन नंबर सेकेंड, क्लिक अ शॉर्टकट की, दैट इज F11, राइट। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द थर्ड मेथड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी मेन्यू बार है, उसके बाद ऑप्शंस है, देन ये है आपकी फॉर्मेटिंग बार, ठीक है। इस फॉर्मेटिंग बार के अंदर जो सबसे पहला आपको ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है, राइट, दिस इज अवर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग मेन्यू। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन हो जाएगी। वेल गाइस, यहाँ पर हमारे पास तीन मेथड हो चुके हैं, आप किसी भी मेथड से स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे क्रिएटिंग न्यू स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन। हमें पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद नई स्टाइल को डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं स्टाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ये जो मेरी लाइन है क्रिएटिंग न्यू स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन, मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं इसकी स्टाइल को देखें, यहाँ पर स्टाइल को मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। उसके बाद मुझे इसका फॉन्ट नेम चेंज करना है, दैन फॉन्ट मैं इसका यहाँ पर कर देता हूँ, सपोज करिए एरियल, ठीक है। देन फॉन्ट साइज मैं इसका चेंज कर देता हूँ, दैट इज़ 15, बोल्ड फॉर्मेट में एंड इटैलिक्स में कर देता हूँ, क्लियर। अब मुझे ये एक स्टाइल बनानी है अपनी जो कि मेरी बिहेव करे एज अ प्रीडिफाइंड स्टाइल। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, देखिए इतना मैंने काम कर दिया। अब मैं आ जाता हूँ स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग बार के अंदर। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन शो हो रहा है फिल फॉर्मेट मोड के जस्ट बराबर में, न्यू स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन। मैं जस्ट इसको सेलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पर अब मुझे अपना स्टाइल नेम देना है। मैंने यहाँ पर दे दिया माई स्टाइल टू, राइट। एंड जैसे ही मैं यहाँ पर ओके करता हूँ, अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर माई स्टाइल टू के नाम से एक प्रीडिफाइंड स्टाइल बन चुकी है। अब चेक कर लेते हैं, मैं इसको एक बार अप्लाई करके देख लेता हूँ। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इसका फॉन्ट नेम क्या है, फॉन्ट साइज क्या है, बोल्ड फॉर्मेट में, इटैलिक्स में है एंड लेफ्ट अलाइनमेंट में है। चलिए मैं नीचे इसको अप्लाई करता हूँ अपडेटिंग स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन पर। तो जैसे ही मैं यहाँ पर माई स्टाइल टू को करता हूँ, नागवाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं माई स्टाइल टू एरियल 15 बोल्ड इटैलिक्स एंड लेफ्ट अलाइन, राइट। तो चलिए अब मेरे पास यहाँ पर सेकंड आता है अपडेटिंग स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन। अब मुझे इस पर्टिकुलर स्टाइल को अपडेट करना है या फिर मैं यहाँ पर किसी भी स्टाइल को अपडेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, चलो मैं इसको डिफॉल्ट में कर देता हूँ। अब मुझे डिफॉल्ट को अपडेट करना है, ठीक है। डिफॉल्ट को अपडेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल देखिए मैंने यहाँ पर वरदाना इसका फ़ॉन्ट कर दिया, देन अब मैंने इसको फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो मैंने कर दिया 9, देन सेंटर अलाइन कर दिया, राइट। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे जस्ट यहाँ जाना है एंड यही मैं यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा सेम ऑप्शन, देन अपडेट स्टाइल, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर अपडेट स्टाइल को कर देता हूँ तो इसमें मेरा जितना भी डेटा है जो डिफ़ॉल्ट में आता है वो सब मेरा यहाँ पर सेंटर अलाइन हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई भी न्यू लाइन लिखी, ठीक है, न्यू लाइन फॉर प्रैक्टिकल, ठीक है। तो अब मैं इसका डिफॉल्ट फॉर्मेट को सेलेक्ट करूँगा। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका फॉन्ट मेरा यहाँ पे चेंज हो गया, वरदाना हो गया, 9 हो गया एंड अलाइनमेंट इसका हो गया सेंटर, क्लियर। एज आई होप तो गाइज इस पॉइंट को आप लोग समझ गए होंगे। नाउ गाइज अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ क्रिएट न्यू स्टाइल बाय ड्रैग एंड ड्रॉप।
ड्रैग एंड ड्रॉप कर आपको एक नया स्टाइल बनाना है, क्लियर। अब मैं उसके लिए क्या करूँगा, वेरी सिंपल, मुझे सबसे पहले स्टाइल को सेलेक्ट करना है, मैं क्या स्टाइल रखना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कर दिया, चलो माय स्टाइल टेक्स्ट बॉडी, ठीक है। देन फॉन्ट मैं इसका चेंज कर देता हूँ सबसे पहले, एंड फॉन्ट मैंने यहाँ पर कर दिया एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड, क्लियर। एंड फॉन्ट साइज मैं इसका कर देता हूँ 15, इटैलिक्स में अंडरलाइन कर दिया एंड राइट अलाइनमेंट, क्लियर। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस स्टाइल को बनाना है विद द हेल्प ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप। अब मुझे किसके लिए क्या करना होगा, सिंपली मैं इस लाइन पर आऊँगा, सिलेक्ट होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने जस्ट इस पर क्लिक किया एंड मैं इसको ड्रैग कर होल्ड करना है, माउस बटन को क्लिक करना है इसके ऊपर लाकर एच ओवर करके, देन ड्रैग करते हुए मैं स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग के अंदर आऊँगा एंड रिलीज़ कर दूँगा। आप देख सकते हैं मेरा तुरंत यहाँ पर डायलॉग बॉक्स आ गया क्रिएट स्टाइल। अब मैंने इसका नाम दे दिया माय स्टाइल 3, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर ओके पे क्लिक करता हूँ, अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा माय स्टाइल 3 में आ गया। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर न्यू लाइन फॉर प्रैक्टिकल पर अगर मैं इस टास्क को अप्लाई करता हूँ, देन मुझे सेलेक्ट करना है माय स्टाइल 3। देन गाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सेम आ चुका है, न्यू स्टाइल फॉर प्रैक्टिकल पर माय स्टाइल 3 आ गया, एरियल राउंडेड एंटी बोल्ड एंड फॉन्ट साइज 15 एंड इटैलिक्स अंडरलाइन एंड राइट अलाइनमेंट। सो गाइज यहाँ पर हमने क्या क्या डिस्कस किया, दोबारा से हम एक बार देख लेते हैं। क्रिएटिंग न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, अपडेट स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन एंड टू क्रिएट न्यू स्टाइल बाय ड्रैग एंड ड्रॉप। गाइज वीडियो को दोबारा देखिएगा, प्रैक्टिकल करिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो गाइज आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम टू यू ऑल। गाइज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, सभी कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो, तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को मिलते रहें, डायरेक्टली उनका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता।